आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है और फिजिक्स टफ लगती है आप लोगों को, तो इसको आसान तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द ब्रांच और फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है थोड़ा मिसमैच कर देते हैं करंट के साथ, बट करंट और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन, यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है और तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आते हैं कि व्हाट इज चार्ज, ये चार्ज है क्या। तो चार्ज आप लोगों को याद हो, नाइन्थ में आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटम के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है सेंटर में, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है आप लोगों को याद होगा, एक होती है प्रोटॉन और दूसरी होती है न्यूट्रॉन। तो ये दो चीजें जो होती है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा एक और चीज होती है एटम के पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन आ ऑर्बिट्स। ठीक है, और ये क्या आपके, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होता है कौन सा चार्ज होता है, दे कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इनके ऊपर। उसके अलावा प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बात है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आप लोग याद हो, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका नेम सेज दैट इट इज न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल को क्या है, न्यूट्रॉन कहा गया। तो इट इज ए न्यूट्रल और जीरो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आप लोगों ने थोड़ा और भी पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, क्या पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो कंडीशन है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच रिपल्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज की, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप सुनना, ये कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को नहीं पता हो, जिनको नहीं पता वो ध्यान से समझे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करता है, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको नॉलेज में रखना है आपकी, क्योंकि अभी क्लास 12 तक और उसके आगे की पढ़ाई, जितनी भी आपसे आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये आप वैलिड स्टूडेंट, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे सारी जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल इच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपल इच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप नोट लिख लेंगे, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा साथ में। अब इसको दो नोट्स लिख लीजिए, क्या है पहला नोट, पहला नोट कहता है कि सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ओ सॉरी, सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर।
और दूसरी बात आपको क्या पता चली इससे, दूसरी बात आपको इससे पता चली कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो यहां से दो बातें क्या पता चली, पहली बात ये पता चली कि सिमिलर चार्ज होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे कि आपको पता है आपकी क्लास का अगर आप एक एग्जांपल लें तो जो टॉपर्स पर्सनैलिटी होती है उनकी आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में मार्क्स को लेकर के थोड़ी लड़ाई होती है कि मैं ज्यादा मार्क्स लाऊंगा और मेरे को ज्यादा अच्छे नंबर लाने, तो उसके बीच में उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। तो ये क्या कहते हैं, अपोजिट पर्सनैलिटी है, ये एक दूसरे को, सॉरी सिमिलर पर्सनैलिटी है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इन लोगों की आपस में नहीं बनती है। इसी तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव की नहीं बनती और नेगेटिव नेगेटिव की नहीं बनती। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन जो अपोजिट पर्सनैलिटी इनकी आपस में बन जाती है, और ये जो है आपका फ्रेंड्स की तरह है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल आप अपनी क्लास में देख सकते हैं, बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने वाला, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करने वाला, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होने वाला है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब तो आपने ये देखा, ये क्या है, चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है और नीचे अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चार्ज क्या है, चार्ज वो प्रॉपर्टी है इन पार्टिकल्स की, किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये रिपल्शन और अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बातें क्या, एक बार बता देता हूं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है जिससे ये रिपल्शन और अट्रैक्शन फिनोमेना कर पाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ द मटेरियल पार्टिकल एग्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस ऑन ईच अदर। ओके, लिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी चार्ज के ऊपर इतना कोई आपकी डेफिनेशन नहीं है, इस प्रेजेंट है आपके सिलेबस में, वो आपको हायर स्टडीज में पढ़ने के लिए है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम अब हम बात करेंगे करंट की, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हमने देख लिया, दैट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन, यानी कि जो चार्ज जिसके बारे में अभी बताया था, जब वो मोशन में आ जाता है तब हम उसकी बिहेवियर को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को, उसके फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं, तब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और उसके साथ आप उसको करंट भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आपके घरों में बहुत करंट वगैरह सब है। सो नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसको हमें देखना है। इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम इसे समझेंगे। लेट अस कंसीडर इट एज अ वायर, ये एक वायर, कंडक्टर वायर है, इसको हमने कनेक्ट किया है एक एनर्जी सोर्स, दैट इज आवर बैटरी। ओके, ये एक हमने एनर्जी सोर्स लगाया है, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये एक बैटरी का सिंबल है जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है बैटरी को, और बैटरी क्या है, बैटरी इज ए एनर्जी सोर्स, क्या है ये, एनर्जी सोर्स है। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है, वो एनर्जी सोर्स आप बैटरी दे यूज, बैटरी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टर में बैटरी होती है, ठीक है, सेल की फॉर्म में भी दे सकते हैं जो कि आप रिमोट वगैरह में लगाते हैं, और उसके अलावा जो आपके घर में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक करंट की, उससे भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी सोर्स लिया है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है इस सर्किट को, ये जो हमारा सर्किट प्रेजेंट है। ओके, नाउ बैटरी अगर आपने देखी तो आपको पता है बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ध्यान रखने बात ये कि जो ये जो बड़ी वाली प्लेट है, जो आपको बड़ी लाइन मैंने खींची है, ये एक पॉजिटिव प्लेट की तरह एक्ट कर रही है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और जो स्मॉल वाला है वो एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो बड़ा वाला है
वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि इधर वाली साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी और उधर वाली हमेशा नेगेटिव रहेगी। और बैटरी का सिंबल हमेशा ऐसे बनाना है, ऐसा नहीं करना कि छोटी वाली इधर कर दी बड़ी वाली उसके बाद लगा दी, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बड़ी से स्टार्ट करना है, उसके बाद छोटी पे खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। ये बैटरी का है। ओके, बैटरी इसलिए इतनी सारी लाइन इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है। अगर आप इस सेल का सिंबल बनाएंगे तो सेल के लिए सिर्फ इतना बस, ये अगर आपने एक बार बनाया तो इसका मतलब इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नॉर्मल सेल आती है छोटी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बैटरी यानी कि बड़ा, यानी कि ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है अपने आप में। ओके, तो ये इसको हम आगे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आपके सिंबल्स वगैरह सब कुछ है। तो अभी इसको थोड़ा रहने दीजिए, अभी बस ये समझिए इसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट प्रेजेंट है। नाउ आपने पढ़ा था कि कंडक्टर्स वो मेटल या फिर एलिमेंट होते हैं जो कि करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं। तो ये आपका कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर। ओके, तो कंडक्टर वायर, अब आपने ये पढ़ा था कि कंडक्टर कैसे काम करते हैं। तो अगर मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में भी। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली मेटल्स आर कंडक्टर, जितने मेटल्स होते हैं वो सब क्या है, सभी के सभी क्या है, कंडक्टर्स हैं। तो ये जो मेटल्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन मेटल कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से क्या करते हैं, करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। कैसे, देखिए अब आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कुछ को पता हो सकता है लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से एटम पे आ जाइए। तो एटम की जो आउटर, ये जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के केस में, हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो लूज मेटल क्या कर सकता है, उनको लूज कर सकता है, उनको फ्रीडम दे सकता है कि आप उस कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। एक बार वो बता देता हूँ, ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल एटम के अंदर, वो मेटल एटम उसको फ्री कर देते हैं कि आप इसके अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है। अब ये न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनका अट्रैक्शन भी थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेटल को छोड़ के नहीं भागने वाले, ये रहेंगे तो इसके अंदर ही, बट उनको फ्रीडम है कि वो इसमें पूरे में घूम सकते हैं। लेकिन जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको ये फ्रीडम नहीं है, वो इस मेटल एटम को छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी इसके ऊपर ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री है, आप कहीं भी घूमिए मेटल के अंदर, लेकिन मेटल के अंदर ही रहिएगा, मेटल से बाहर नहीं चले जाइएगा कि हवा में चले गए, तो ऐसा नहीं है। बस फ्री, इतनी फ्रीडम है कि इस मेटल के अंदर घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब आपने पॉजिटिव प्लेट लगाई, तो अभी आप, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर यहाँ पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये किधर की तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मोशन स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ जो नेगेटिव प्लेट प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगी। क्यों, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, ये भी हमने पढ़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से तो दूर भागेंगे और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। अब क्या हो रहा है, अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन कहाँ हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। अब ये जो मोशन है इन इलेक्ट्रॉन्स का, इट कॉन्स्टिट्यूट करंट, ठीक है। तो आपको लिखवा देते हैं, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट में हो क्या रहा है। करंट यही है जिसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है इन अ सिंगल डायरेक्शन, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
उसको आप करंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसमें चाहे तो, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायरेक्शन इन कंडक्टर, इन वन डायरेक्शन इन अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट करंट। ओके, लिखते रहिएगा साथ में। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा अकॉर्डिंग टू मी कि आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और साथ में अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हैं। भाई एटम के अंदर प्रोटॉन भी तो होता है, प्रोटॉन का क्या हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन मूव नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं मूव करने वाले हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालना के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये ज्यादा एनर्जी, हम इतना अच्छा एनर्जी सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो कि इस एटम को तहस नहस कर दे। तो एटम बरकरार रहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए वो उसके अंदर ही रहता है। उसको निकालना वहां से, उसको निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो कि हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसीलिए जो है प्रोटॉन का मोशन नहीं हो सकता, मोशन सिर्फ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट आउट द प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पर आते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन है, इसको समझिएगा। तो इट इज द रेट ऑफ, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इसका अगर आप एक एरिया ले लें, ये तो ये जो पोर्शन है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमने कंसिडर कर लिया, ये एक सर्कुलर डिस्क जो कि हमने इस पूरे कंडक्टर के अंदर एक कंसिडर कर लिया है, तो ये है क्रॉस सेक्शन। ये इस वायर का क्या है? क्रॉस सेक्शन। यानी कि आपने इसको काटा तो आपको क्या दिखेगा? जो आपको दिखेगा उसका फेस में, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जो सर्कुलर एरिया है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उस क्रॉस सेक्शन से कितना रेट है चार्ज के फ्लो होने का? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज आई, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट बेसिकली क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट, रेट वर्ड आ गया, अब ध्यान से समझिएगा ये आगे तक काम आएगा। जब भी रेट वर्ड आ जाए, इसका मतलब है फॉर्मूले में अपॉन में टाइम आएगा। ठीक है, क्या चीज? जब भी रेट वर्ड आ जाए तो फॉर्मूले में अपॉन में क्या आएगा? टाइम आएगा। इस चीज को हमेशा यहाँ पे फीड कर लीजिए, ये आगे तक आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि ये रेट वर्ड जो है अब मैक्सिमम डेफिनेशन में आने वाला है जितने भी आप पढ़ेंगे 11th में और 12th में। ठीक है, तो इसको 12th में कम है, 11th में जितने भी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें टाइम जरूर आता है, तो इसलिए टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जब भी रेट वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या लगा रहे हैं? अपॉन में टाइम लिखना है। ओके, दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई है? एक चार्ज, चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब इनके सिंबल भी देख लेते हैं, जब तक सिंबल नहीं बताऊंगे तो काम कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं, टाइम के लिए टी यूज करते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल आई। इसको स्मॉल आई भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे तो यार ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है, पहले से पता है कि करंट का सिंबल आई है। बस सबको पता है, लेकिन कुछ को तो नहीं पता है, उनको भी तो बताना पड़ेगा। दूसरी बात, चार्ज ये नहीं पता होगा भी, ये बताएंगे चार्ज का सिंबल नहीं पता, वो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू जनरली डिनोट्स करता है कि चार्ज बहुत बड़ा है और स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज बहुत कम है। ठीक है, तो कैपिटल क्यू चार्ज का सिंबल है, ध्यान रखिएगा ये चार्ज का सिंबल है क्यू। टाइम का तो आपको पता है टी, और करंट का आपको बता दिया है आई। ओके, तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला है कि करंट
आई इक्वल्स टू किसके बराबर है, रेट ऑफ, रेट, रेट मैंने कहा था जब भी रेट बढ़ा जाएगा तो अपॉन में क्या लिख देना है, टाइम लिख देना है, तो अपॉन में टाइम लिख दीजिए, टाइम और टी भी लिख सकते हैं जो भी आपका मन करे, टाइम और किसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका, चार्ज का, चार्ज ऊपर लिख दीजिए, तो आई टी लिख दीजिए बस, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। अच्छा फॉर्मूले को हमेशा आप से ब्रैकेट में डालने की आदत बना लीजिए, क्योंकि अब आप बोर्ड एग्जाम हो गए क्लास टेंथ में, तो उसमें हर चीज तरीके से करना है, तो तरीके से करने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, इससे क्या होता है हाईलाइट हो जाती है चीज, टीचर को दिखता है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला, उसको पहले से पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, डेफिनेशन यहाँ है, फॉर्मूला ये रहा और उसका आंसर ये रहा, तो आंसर भी लिखेंगे तो आंसर के ऊपर भी क्या करना है, हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया आंसर आया कुछ उसके ऊपर बॉक्स बनाइए, ये कुछ बेसिक थिंग्स है जो कि आपको बताई जा रही है स्टार्टिंग में, इनको अगर ध्यान रखेंगे तो आप आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं। ओके तो ये आपको एक तरीका बता दिया, आप कह रहे होंगे ये तो हमने पहली बार देखा, ऐसा नहीं है पहली बार देखा रेट वाला, अगर आपको एक दो एग्जांपल और दे देते हैं रेट का, जैसे कि वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने नाइन्थ में पढ़ी हो, क्या पढ़ी थी वेलोसिटी की डेफिनेशन, दैट इज, अच्छा कुछ ना और कुछ भी पढ़ी होगी लेकिन मेरी वाली सुन लीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेट वर्ड आ गया तो यानी क्या बोल में क्या आ जाएगा, टाइम, और किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर आ जाएगा, देखिए हो गया ना सिंपल, v इक्वल्स टू s बाई टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की याद करिए, एक्सेलरेशन की क्या थी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वहां पे भी रेट वर्ड आ गया यानी कि इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, अपॉन में टाइम आएगा, तो रटने की जरूरत नहीं है आप समझ के काम करिए, तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन गया। तो इस तरीके की बहुत सारी डेफिनेशन है जो आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे, तो हर जगह डेफिनेशन ही सिंपल है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब उसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी करना है, तो न्यूमेरिकल भी करना है, तो यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है इट रिप्रेजेंट टोटल चार्ज, इट रिप्रेजेंट टोटल चार्ज अपॉन कैपिटल टी रिप्रेजेंट टोटल टाइम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं इनको कितना टाइम लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से बता सकते हैं कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे पास हो गए, दैट इज नोन एज करंट, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पास हो गए एक सेकंड में तो वो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कुछ और, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कुछ और, ठीक है, अब ये समझ में नहीं आएगा बताते हैं, इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए,